वेलकम, आपका स्वागत है। कृपया आए और सभी को मार्गदर्शन करें। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। यस, सभी को शुभ प्रभात। आज का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। आज हमारा मंडे यानी सोमवार शंकर जी का दिन है। हम सभी लोग आज के दिन बहुत अच्छा काम करेंगे। हर दिन अच्छे ही होता है, कोई खराब नहीं होता है। तो इस टीएलएस ग्रुप अशोक जी नेपाल से बहुत ही जबरदस्त इस चीज को ऑपरेट करते हैं। हम लोग उनके सिस्टम में आकर के सभी लोग आज कोरोना काल से जब से ये सिस्टम लागू हुआ तभी से ये सिस्टम नॉन स्टॉप रात दिन मेहनत करते हैं। और महीने का शेड्यूल बनाना, लीड रोल्स लेना आपकी बहुत बड़ी खासियत है। उस खासियत को मैं नमन करता हूँ। प्रणाम आप सभी लोगों को, इंडिया नेपाल सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू। जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हैं करीबन 67 नियर अबाउट 100 तो होना ही होना है, क्योंकि आपका टेलस ग्रुप 100 हमेशा ही रहता है। तो हम सभी लोग इस सिस्टम को डेली एक ना एक लीडर आके कुछ नया सिस्टम पे बात करके, यानी सिस्टम डिएक्शन का ही सिस्टम है, बट उसकी बात करने की शैली, बात करने के टेक्निक, सभी के टेक्निकल आइडिया अलग अलग होते हैं। कोई कम समय में करोना एम्बेसडर, अभी हमारे पीएम राजीव कुमार यानी सीमा राजीव आते हैं इस चैनल में, कितना खुशी होती है। क्राउन एम्बेसडर आके इस चैनल में आके इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जीरो टू हीरो। तो ऐसे डीएक्शन में हमारे पास जीरो टू हीरो की एक लिस्ट लगी है। उसमें से एक बंदा जो आपके सामने आज हाजिर है, जिसका नाम है नरेंद्र त्रिवेदी, मुंबई से हूँ मैं। मुंबई हमारी कर्मभूमि थी, उस कर्मभूमि में मैंने काम किया, अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को लखपति वहां से बनाया, वहीं से मैं सिलसिला चालू किया। पूरा ऑल ओवर इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मैंने बिजनेस को प्रमोट किया, फिजिकली मेंटली बहुत ही ज्यादा रन किया और आज भी रन कर रहे हैं। आज भी हम कंफर्ट जोन में नहीं है दोस्तों। ये जो डीएक्शन सिस्टम है, इसमें जो भी सिस्टम में रहेगा और टाइम का अगर पंक्चुअल रहेगा, वो व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। ये सिस्टम को डुप्लीकेट करना, लीडरों को प्रमोट करना, टीम में आपकी संख्या कितना इवेंट में बैठाते हैं, कितना आप होम मीटिंग करते हैं, यानी अगर देखा जाए डीएक्शन सिस्टम में केवल एक ही फार्मूला हम लोग लागू करते हैं। आपने सुना होगा बहुत, 4-2-1 का फार्मूला, 4-2-1 का फार्मूला। ये फार्मूला पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और कुछ बात करेंगे जो बहुत ही सिस्टमेटिक हम लोग बात करेंगे। ये हमारा परिवार है, 3 बच्चे, पति पत्नी, 2 लड़के, 1 लड़की, वाइफ, एक वाइफ। हम इतने परिवार से डीएक्शन में हम फुल समर्पित हैं, परिवार सहित। तो डीएक्शन में आपको फैमिली बिजनेस है, अपने परिवार को भी इसमें लाना बहुत जरूरी है। तो आगे की बात हम शुरू करते हैं कि आप देख रहे हैं, आपका इस डीएक्शन परिवार में हार्दिक स्वागत है। इस हार्दिक स्वागत में आपको हम नमन करते हैं। आपने बीच में देखा था कि डॉक्टर लीम सिंह ने एक प्रोग्राम किया था बिहार में, गया में, करीब 22,000 से भी के आसपास एक यूनिफॉर्म में आए, क्योंकि ये ताकत डिएक्शन परिवार में है। यानी स्थायी स्वास्थ्य चाहिए, स्थायी रुपया चाहिए, स्थायी अगर खुशियां चाहिए, अगर परमानेंट आपको हेल्थ चाहिए, परमानेंट वेल्थ चाहिए, परमानेंट खुशियां चाहिए, तो तीनों चीज कहाँ मिल सकती हैं? डीएक्शन। डीएक्शन में 3 ही शब्द है, डी एक्स एन। डी शब्द स्थायी स्वास्थ्य,
स्थाई रुपया, स्थाई खुशियां। आज इस सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं जीरो टू हीरो, मैंने जब मुंबई में शुरू किया था तो हमारे पास ना स्वास्थ्य था, ना रुपया था, ना खुशियां थी, तीनों चीज नहीं थी। डीएक्शन में आके केवल बात करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, ये सिलसिला कंटिन्यू नॉन स्टॉप करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे लगातार करते रहे। आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे 1 साल में मुंबई में सफलता मिल गई। इतनी बड़ी सफलता मिली कि हम जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। उससे पहले मैंने बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनियां में शामिल हुआ, असफल रहा। डीएक्शन में कुछ सफल रहा क्योंकि डीएक्शन में मुझे एक ही चीज समझ आया कि डीएक्शन के पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं है। डीएक्शन के पास था गैनोरमा, और उस गैनोरमा यूनिक चीज है, अद्वितीय चीज है, जो किसी कंपनी के पास नहीं था। और हमारे साइंटिस्ट जो है वो खुद खोज किए, खुद सिस्टम में लाए, और आईटी सेक्टर के मास्टरमाइंड हैं। आईटी सेक्टर के अल्टरनेटिव बहुत सारी, उनके इतने सर्टिफिकेट हैं। अगर हम सर्टिफिकेट पे बात करें, 2 साल में उनको, नवा देश था इंडिया, नवा देश जब इंडिया में आया था तो उस टाइम केवल 4-5 प्रोडक्ट रहा करते थे, लेकिन आज आपको ढेर सारे प्रोडक्ट हो गए हैं, और आने वाले समय में आपको माल जैसा खोलना पड़ेगा। एक स्टॉकिस्ट को 10 लाख 20 लाख का माल मेंटेन करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आज हम लोग आइए शुरुआत करें डीएक्शन की। डीएक्शन एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए, ट्रेनें आती रहेंगी, अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो डीएक्शन का जो सिस्टम है उस सिस्टम पे थोड़ा बातचीत करेंगे। ये डीएक्शन का स्लोगन है, बहुत से लोग बोलते हैं, जुड़े रहते हैं, ये चीज आपने पढ़ा भी होगा। यानी गोला जो है आपको सामने रखा है, जो रेड कलर का सुबह होता है, आपको सुबह कितने लोगों को सूरज देखते हैं सुबह? आज जब तक आसमान में सूरज चमकेगा ये सिंह सिंह, तब तक ये चीज रहेगा, डिएक्शन रहेगा। जब तक प्रकृति रहेगी, नेचर रहेगा, तब तक डिएक्शन रहने वाला है। जब तक समंदर में जल रहेगा तब तक डिएक्शन रहेगा। दोस्तों ये डिएक्शन एक ऐसा सिस्टम है, आज मुझे 22 साल कंप्लीट हो गए, मैं 23वीं साल में चल रहा हूं डिएक्शन में। अगर आज ना भी करूं तब भी हमारे रुपया नॉन स्टॉप आता ही रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आता ही रहेगा। यानी इससे क्या बोलते हैं, लीगेसी, यानी जो काम ना करें तब भी रुपया आए उससे लिगेसी बोलते हैं, यानी पैसिव इनकम बोलते हैं। तो डीएक्शन क्यों करना है? डीएक्शन का आप देख लीजिए, डीएक्शन का केवल नाम बिकता है आज के दिन। डीएक्शन एज ए इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनी बन चुकी है, और डीएक्शन अंतरराष्ट्रीय में नंबर 1 कंपनी घोषित हुआ है। नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 1 डीएक्शन आरबीसी सिस्टम, ये तीनों चीज आज नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं। और इसमें आप कितना अपने आप को नंबर 1 करना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो डीएक्शन आपको स्वागत करता है। आपको कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। पहला हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हैं, यानी हेल्थ का भी, कॉस्मेटिक भी, पर्सनल केयर, यानी जो हम यूज कर रहे हैं अपनी जिंदगी में वो सारे प्रोडक्ट डीएक्शन में हैं। और डीएक्शन का स्लोगन भी यही है, हमेशा डीएक्शन गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग का मतलब यही हुआ कि हमारा सुबह हमेशा रहता है, एनर्जी हमारी सुबह ज्यादा रहती है, रात में भी एनर्जी रहेगी, रात दिन मेहनत करेंगे तब भी हमारी एनर्जी वैसे ही रहेगी जैसे सुबह होती है। इसीलिए डीएक्शन में ऑलवेज
गुड मॉर्निंग का संदेश दिया जाता है, गुड मॉर्निंग का हम लोग स्वागत करते हैं। तो आज जिंदगी जीना आसान नहीं है, तो आपको बिना संघर्ष के कोई महान भी नहीं होता है जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट। पत्थर भी भगवान नहीं बनता है, ये आपने शब्द देख लीजिए आपके स्क्रीन पे आता होगा। यानी जब तक अपने आप को संघर्ष में नहीं लाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप मूर्ति नहीं बन पाएंगे, तब तक आपके ऊपर माला नहीं चढ़ने वाले हैं। यानी आपको लखपति बनना है, स्टेटस लेना है, दोनों चीज काम करना है। आपका दोनों चीज रहेगा तो आपको माला भी मिलेगा और डिडक्शन हमेशा हर महीने आपको माल भेजती रहेगी। माल मतलब रुपया आपको 10 तारीख को आपके ई वॉलेट पे या आपके अकाउंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा। कितना बढ़िया सुंदर चीज है, क्योंकि हमने हथौड़े कहाँ खाए, अपलाइन के हथौड़े खाए, अप लीडर्स से खाए। हमारे प्रोफेसर मेंटर साहब आज भी अगर फोन आ जाता है तो केवल गुस्से में ही बात करेंगे, प्यार से कभी नहीं बात किया, कि उन्होंने एक ही चीज बोला, आपका पीवी करोड़ में क्यों नहीं आता है, आपका बिजनेस में स्टार सारे क्वालिफाई क्यों नहीं करते हैं। एक ही जवाब उसको सर जी को देना पड़ता है, हाँ सर होगा होगा। कहने का मतलब कभी हम उनसे ये नहीं बोल सकते हैं कि सर नहीं हो पाए, हमने नो प्रॉब्लम का अंदर से पान खाया है। मतलब अंदर से मैं जो भी लिया हूं सकारात्मक विचार रखता हूं कि 100% होगा ही होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, होगा जरूर, क्योंकि हमने जो सपना लिया है, ड्रीम लिया है, वो रिएक्शन से संभव है। आज जितने भी लोग हथौड़े खाए हैं वो क्राउन एम्बेसडर बने, क्राउन डायमंड बने, या डबल डायमंड बने, या ट्रिपल डायमंड बने, आज उनको स्वागत किया जाता है, स्टेज पे बुलाया जाता है, इस उनको सम्मानित की दृष्टि से हमेशा उनको रिस्पेक्ट मिलता है। तो जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, उसका नाम है जिंदगी, और पूरी जिंदगी आज तकलीफ में रहते हैं। आज हम लोग अगर इसको देखा जाए तो ये जिंदगी के रिएक्शन जिंदगी के साथ भी है और रिएक्शन जिंदगी के बाद भी है। जो जिंदगी में अभी बहुत सारे लोग हैं रिएक्शन परिवार में नहीं है, रिएक्शन में नहीं है, मतलब रिएक्शन से उनकी वो इंडिविजुअल नहीं है, बट उनका रिएक्शन में आईडी है, वो आईडी से उनके पीढ़ी को ट्रांसफर हो गया। यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसको लिगेसी बोलते हैं, इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। जो रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से मैंने 22 साल में देखा है, जो हमारे साथ मित्र थे, काम कर रहे थे, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड तक, या क्राउन एम्बेसडर भी बन गए थे, आज वो नहीं है। उनके घर में लाखों लाखों रुपया उनके अकाउंट में डिपॉजिट होता है, उसका फायदा नॉमिनी ले रहे हैं। एग्जाम्पल, एक केके अग्रवाल का बड़ा चेक आता है, बड़ा पीवी है, आज वो दुनिया में नहीं, बट उनके बेटे वरुण अग्रवाल को आज कितना बड़ा रॉयल्टी जाता है, वो किसकी कमाई है? पिताजी ने पेड़ लगाया था, आज बच्चे फल खा रहे हैं, फिर आने वाली पीढ़ी भी फल खाती रहेगी। ये फल का मजा लेना है तो आप रिएक्शन में तन मन धन से समर्पित हो जाइए 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष अगर आपने स्ट्रॉन्ग फिजिकली मेंटली मेहनत कर दिया तो आपको जिंदगी के साथ भी रहेगा, जिंदगी के बाद भी जवा इंजॉय रहेगा। इंजॉय मतलब खूब हेल्थ बेनिफिट लीजिए, खूब बढ़िया सा परिवार के साथ इंजॉय कीजिए, डिरेक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, मतलब मीटिंग सेमिनार में आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट ये सभी चीज रिएक्शन कंपनी भी देती है, और रिएक्शन के हमारे सदस्य परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा मान सम्मान देते हैं। क्योंकि हमने नेपाल में अशोक गिरी सर ने अशोक जी यादव जी जिन्हें मुझे इनवाइट किया था 6 महीना पहले, मैं गया था, बड़ा मान सम्मान रिस्पेक्ट शान बनाए, बड़ा अच्छा लगा, वैल्यू दिया। यानी भगवान से
ज्यादा हमको सम्मान दिया उसके लिए मैं हमेशा नाम लेता रहता हूँ। अभी सेकंड बार मैं जनकपुरी इधर गया था लुम्बिनी साइड में, वापस एक ट्रेनिंग करने, रेसिडेंशियल कैंप करने, क्योंकि आज की डेट में हम लोग रेसिडेंशियल कैंप हर 2 महीने में लखनऊ में भी करते हैं। तो ऐसे रेसिडेंशियल कैंप में भी हम लोग जगह जगह देश में भी रखे हैं, नेपाल में भी रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं, अभी हम जनकपुरी में भी रखेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर जनकपुरी में करने वाले हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इंडिया और नेपाल दोनों को लेके हम हमारा पड़ोसी है, हमारे बहुत जबरदस्त संबंध है, हम उस संबंध दो को नहीं बोल सकते हैं। डीएक्शन एक बहुत बड़ा है। अभी एक इसमें देखिए, डीएक्शन में एक स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं बिना भागे। आज आप लोग डिजिटल में जुड़े हैं, हम लखनऊ में घर पे बैठे हैं, अपने हिसाब से बैठे हैं, हमको यात्रा का खर्चा नहीं, होटल का खर्चा नहीं, हम आपके सामने डिजिटल बात कर रहे हैं, तो जूम पे बात कर रहे हैं। वन वर्ल्ड वन मार्केट वन माइंड, यानी हमारा डीएक्शन का स्लोगन है, जरूरत से पर जरूरत अगर है तो नौकरी से पूरी होती पूरी की जा सकती है, मगर अगर आपके ड्रीम है, शौक है, आपके चाहत है, वो चाहत किससे पूरा होगा? आपको चाहत है गाड़ी लेना, चार पहिया गाड़ी लेना, आपकी चाहत है मुझे दुबई घूमना, अमेरिका घूमना, विदेश में जाना, इसमें संभव है। आज जैसे अभी अशोक सर ने हमको बताया कि हम 22 साल से कितने देश में जा चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना रुपया लगाए, हम हमारी पत्नी बिना रुपया लगाए पूरी दुनिया में जाते हैं, कंपनी लेके जाती है, कंपनी खुद आपको स्वागत करिए, TSIP बोलते हैं, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव, उसमें आप आ जाएंगे, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, 5 साल आपको रगड़ के आपको टीम बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, रगड़ाना पड़ेगा, लोग बहाने करेंगे, उस बहानों से बाहर आना है, बहानों को तोड़ना है। तो शौक पूरा करना है तो डीएक्शन में आप ज्वाइन कीजिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए है। बेहतर भविष्य मतलब जो आप कचोट की जिंदगी जी रहे हैं, वो कचोट की जिएंगे, वो जिंदगी आपकी बहुत पावरफुल ड्रीमफुल होगी और आपके सारे ड्रीम साकार हो सकते हैं। मैंने मुंबई में जैसे अभी बताया हमारे मित्र अशोक सर ने कि मुंबई में भी मैंने 2 फ्लैट्स बनाया, लखनऊ में 4 मंजिला घर बनाया, 2 बार गाड़ी बदल चुका हूँ और विदेश की यात्रा हमेशा करता रहता हूँ। और हमारी पहले क्या थी, 22 साल पहले हमारे पास औकात नहीं थी कि हम एक कप चाय पी लें, पैसा नहीं था, यानी एक भी रुपया जेब में नहीं रहते थे, क्योंकि हम छोटी नौकरी करते थे, 2,000 रुपए का PCO पे काम करते थे, जिंदगी को काट रहे थे, और जिंदगी काटते काटते बहुत समस्याएं बॉडी में हुई थी, लेकिन रिएक्शन ज्वाइन किया, आपके सामने हम खड़े हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग हमारे साथ हुआ तो आपके साथ क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों स्मार्ट करते रहिए, और आप देख लीजिए नौकरी में क्या होता है, और MLM में सबसे बड़ा यानी फल तोड़ने लगे हैं, इसलिए आप देख लीजिए जब उन लोगों की टोकरी नहीं भरती है जो MLM में सारे लोग एक दूसरे को फंसे फंसाते रहते हैं, यानी लोगों को टोकरी भरना है तो फुल हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं आप एक बाई साइड देख लीजिए, एक एक फल तोड़ते हैं, टोकरी अकेले तोड़ रहे, अगर हम सिस्टम में आ जाएंगे तो कितना तेज आगे जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है बेरोजगारी आप देख रहे हैं नेपाल हो या इंडिया में हो, बेरोजगारी एक बड़ी बीमारी बन गई है, देश में चंद लोगों की नौकरियां मिलती हैं और करोड़ों की संख्या जो है आज बेरोजगार है, कैसे मिलेगा ये खुद ही समझना, आपको खुद को समझना है। अगर आपको चाहे नेपाल हो चाहे इंडिया हो, दोनों जगह की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारे नेपाल के हमारे भाई बहन विदेश जा रहे हैं,
विदेश क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां सरकार उनको जॉब अच्छा नहीं है, उनके पास व्यापार नहीं है, घर चलाने के पास रुपया नहीं है, सरकारें इतनी टैक्स डाल देते हैं कि उसी टैक्स में आदमी दबा मारा रहता है आज। इसीलिए वो नेपाल के वासी, कौन नहीं चाहता हम परिवार के साथ रहें, लेकिन उनकी मजबूरियां देश को छोड़ने के लिए रुपया छोड़ा देती है। वो रुपया के लिए रात दिन विदेशों में मेहनत करते हैं अपना परिवार चलाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग कहीं नहीं जाना है, अपना डीएक्शन को ज्वाइन कीजिए, तन से मन से समर्पण के साथ लग जाइए, आपको यहाँ रोजगार भी तगड़ा मिलेगा और रिएक्शन के साथ सारी समस्या भी खत्म रहेगी, आपकी बेरोजगारी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यानी जब तक इसको बदलेंगे नहीं, नौकरी माइंडसेट अगर हम नहीं चेंज करेंगे, जैसे होता है ना एक भैंस होती है, रोज दूध लगा के स्टोरी है ना, भैंस एक दूध पालता है, दूध दूध गार के निकाल के घरों में पहुंचाता है, उसका माइंडसेट क्या हो गया, उसका एक भैंस से ही उसका घर चल रहा है। अगर जिस दिन नहीं काम करेगा उस दिन रुपया नहीं आएगा, अगर भैंस ही नहीं है तो क्या करेगा, तो वो तलाशेगा ना कुछ काम। तो उसी तरह आज डीएक्शन में भी हम लोग, हमारे पास कोई काम नहीं है, नो प्रॉब्लम, हमारे पास डीएक्शन सिस्टम है जो करोड़पति बनाएगा। तो आप देख रहे हैं दुनिया का नियम साहब है, जब तक आपके पास पैसा है तब तक हाउ आर यू, और आपके पास पैसा खत्म हो गया तो हु आर यू। इन्हीं रुपया नहीं है तो आपको कौन है, आप पहचानते नहीं लोग, रुपया ही आपको भाएगा। तो आप देख रहे हैं जिंदगी की 90% प्रॉब्लम कहाँ पर है, रुपया कारण है परेशानी, रुपया सबसे बड़ा कारण है। उस रुपया को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत मीटिंग करते हैं, रुपया ही आपको बढ़ाएगा। आज हम लोग बैठे हैं तो रुपया है, अगर नौकरी करते तो क्या हम आपके पास ये सब सिस्टम में, ये टेक्नोलॉजी में आते क्या, हमारी पढ़ाई क्या है, इंटर पास हूँ, पढ़ाई ज्यादा नहीं है, इंटरनेट कंप्यूटर कभी सीखा ही नहीं, लेकिन डीएक्शन में आके ये सब स्लाइड बनाना, स्लाइड्स बना के प्रेजेंटेशन देना, हम भी कर रहे हैं, हमारी वाइफ भी कर रही हैं, धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि हमारे आईटी सेक्टर के मास्टर हैं ये इन भाई क्या अशोक सर, अशोक सर के पास आईटी का बहुत बड़ा नॉलेज है और फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा नॉलेज है, वो तो पूरा चुटकी बजा के काम कर देते, खटाखट स्लाइड बना के खटाखट स्लाइड बना देते हो कि कर देते हैं, उतना तो हम लोग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों की संगत में आ करके ये भी सीखा। तो आप परेशानी का कारण क्या है, रुपया, रुपया कमाना बहुत जरूरी है, अगर रुपया नहीं है तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, आपके ड्रीम नहीं पूरा होंगे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिए, और आप देख लीजिए ये जो स्लाइड है बहुत बड़ी स्लाइड है, अगर हम 2 इन 1 कॉफी लगातार हम पी रहे हैं कॉफी को, तो हमारे शरीर में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, शुगर भी नहीं आपके अंदर आएगा, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक ग्लेनरोमा कॉफी है, और इसको आप मॉर्निंग में जेक्सन लिंजी कॉफी को, ब्लैक कॉफी को आप ज्यादा से ज्यादा पिए और लोगों को पिलाएं। आज ये जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, हमारा इस व्यापार में आने का ये प्रोडक्ट है, कॉफी ही हमको इस बिजनेस में खींचा, नहीं हम नेटवर्क मार्केटिंग में इतना काम किए हैं कि कहीं सफल हुए नहीं, असफल। जो लोग बोलते थे अब भाई साहब कौन सी कंपनी में है, जब भी मिले तो वो यही पूछते थे आप कौन सी कंपनी लाए हैं, यानी इतनी सारी कंपनियां हमारे पास आई और मैंने ज्वाइन किया, पैसा नहीं आता था तो लोग हमारे अंदर डाउट करते थे, शंका करते थे ये कहीं और कंपनी में मुझे लेके जाएगा, फंसाएगा, बताएगा। तो इंडियन कॉफी में मैं जब आया तो मैंने पहले अपने आप में देखा कि गैनोरोमा में जो क्या चीज है,
डिटॉक्सिफायर स्कैन करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। हमने ये कॉफी लिया तो हम कॉफी पीते पीते हमारा जो बनियान पहनते थे सफेद वाली, वो येलो कलर का हो जाती थी। जब हमारे ट्रेनर स्पीकर आते थे वो बोलते थे गैनोरमा खाओगे तो आपका यूरिन निकलेगा, यूरिन से कचरा निकलेगा, लेटिन से कचरा निकलेगा, पसीने से कचरा निकलेगा। तो हमने कॉफी पिया तो कॉफी से हमारा पसीना जो है येलो कलर का होता था। वो पसीना जो है, जो बनियान से मैं रिन साबुन लगाता था, सर्फ लगाता था, पाउडर लगाते थे, वो साफ नहीं होता था। इतना विषैला टॉक्सिन कचरा वो जो बनियान में आता था। पहले तो मात्रा भर उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा में, यानी जो बॉडी को नहीं चाहिए वो अंदर पड़ा था। लेकिन थैंक्स डीएक्शन का प्रोडक्ट गैनोरमा कॉफी ने मुझे इस पे रिजल्ट लाया। हमारी ऊर्जा नहीं आती थी, सुस्त रहते थे, हमेशा बैठ के सोते रहते थे, लेकिन जैसे कॉफी पीते थे फटाक दौड़ जाते थे। जैसे एक 11,000 का बिजली का वाट होता है, चलती है, तो एक बल्ब भी जलता है, तो बल्ब एक छोटे से वोल्टेज में भी जल जाएगा। तो हमारा कॉफी एक वोल्टेज का काम किया, एक बल्ब जलाने का काम किया, हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करने का काम किया। ये कॉफी ने हमको बहुत बड़ा चेंज लाया, और इसमें आने का हमारा वजह केवल कॉफी ही है। कॉफी मैंने प्रमोट किया, कॉफी लोगों को बताया, जोड़ा, टीम बनाया, डायमंड बने, कॉफी से डायमंड भी बने, और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। मुंबई में पहला डायमंड बना, पहली चेक उठाया, हाईएस्ट चेक उठाया। मुंबई का हम 2005 में सबसे पहला एक ऐसा इनकम लेने वाले थे, सबसे ज्यादा पीवी, सबसे ज्यादा इनकम। तो डॉक्टर लिम ने 2005 में मुझे एक ऐसा रिवार्ड दिया, उसका भी फोटो आगे दिखाएंगे। क्योंकि कारण क्या है, जब हमारे अंदर ऊर्जा आएगी तो हम रात दिन मेहनत कर सकते हैं। दोस्तों कंफर्ट जोन में मत रहिए, मैंने कंफर्ट जोन में कभी रहा नहीं, ना कभी मैं सोचता हूं मुझे कंफर्ट जोन में रहना, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो या बारिश हो, सभी में भागना है, लाइफ को बढ़ाना, आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा मजबूत देना। ये कॉफी के बहुत सारे फायदे हैं। प्रतिदिन 2 पूजिए, 2 पाउच, 3 पाउच, 10 पाउच, कितना भी पीजिए, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके बॉडी में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाने वाला है। साथ में आप ये 4 प्रोडक्ट एक बेसिक प्रोडक्ट है। आप चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, तो चाय पीजिए, गैनोरमा चाय पीजिए, गैनोजी पेस्ट, गैनोजी सोप, एस्परिलिना, इन 4 प्रोडक्ट को अगर आप प्रतिदिन आजीवन सेवन करते हैं, आप रोगों से मुक्त रहेंगे, आजीवन, दीर्घायु, लंबी आयु, कायाकल्प। अभी हमारे अशोक सर आए थे लखनऊ में, रविंद्रालय में, देखा कितना बड़ा चमत्कार, कायाकल्प, जो 1 क्विंटल के थे आज कितना वेट मैनेजमेंट हुआ, कितना जबरदस्त ऐसा चेंज दुनिया में किसी के पास हुआ। कितने प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन आप अगर ये 4 प्रोडक्ट अपनी लाइफ में रोजाना यूज कर रहे हैं भरपूर मात्रा में, मैं दावा देता हूं आपकी बॉडी में कभी कोई रोग आएगा ही नहीं। आपको 10 10 एस्पिरिन खाना है। आज मैं 25 एस्पिरिन डेली खाता हूं, 15 सुबह खाता हूँ, 10 शाम को खाता हूँ एस्पिरिन। आरजीजीएल रूपल मैडम ने, योगी जी ने बताया मुझे आरजीजीएल कितना खाना चाहिए विटामिन जंग में बॉडी के फिटनेस के लिए, तो मैं आज 16 पेयर आरजीजीएल खाता हूँ, 16 पेयर। आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है, मजबूत रखना है, ताकतवर रखना है, घोड़े की तरह भागना है, तो इन प्रोडक्टों को ज्यादा मात्रा में यूज करना है, और फूड सिनारियो भी चेंज करना पड़ेगा। गेहूं गेहूं की रोटी, गेहूं जहरीला है, चावल जहरीले हैं, उन्होंने सही कहा था, अशोक जी को तो पूरा अच्छे से मालूम है, गाइड करेंगे आपको। तो हम लोग फूड सिनारियों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ये खाना है उनको अवॉइड करना है, कम खाना, बाजरा, मोटा अनाज, उन चीजों को सेवन करेंगे बॉडी में 100% मैं गारंटी देता हूँ, इंश्योर गारंटी देता हूँ, आज के दिन में आप 150 100 वर्ष की आयु क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रोफेसर साहब दुबई में बैठ के दहाड़ रहे हैं।